हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कोई मैट्रिक्स है तो उसको डायगोनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंडीशंस फॉर डायगोनलाइजेशन देखेंगे। सपोज दैट ए बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस एन, हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अगर उसकी सारी आइगन वैल्यू जो है डिस्टिंक्ट है, देन उस कंडीशन में ए जो होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। ईच आइगन वैल्यू लैम्डा आई प्रोड्यूस एन आइगन वेक्टर। तो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर लैम्डा आई जो है, क्योंकि ये हमारे पास लैम्डा एन जो है सारे इंडिपेंडेंट है और ये डिस्टिंक्ट है, तो हर जो लैम्डा आई हो गए ओनली एक आइगन वेक्टर प्रेजेंट करेगा। और द सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स यानी ये वेक्टर्स जो होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज दे करस्पॉन्ड द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ये हम पहले ये प्रीवियस थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं। ये हम देयर फोर बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन आर बेसिक ऑफ आर एन कंसिस्टिंग द आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो ये बी वन बी टू जो है वो सभी हमारे पास बेसिस होते हैं और ये आइगन वेक्टर ऑफ ए के, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ ए। और जो चूंकि ये ए के हैं तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ये बी वन बी टू बी एन जो है वो बेसिस हैं, बेसिस है। और यहाँ पे देन बाय थ्योरम जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी उसी से बी कंडक्ट दैट ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे एक थ्योरम देख लेते हैं हम। यहाँ पे अब मैट्रिक्स ए ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ द एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू आर इक्वल। यानी कोई मैट्रिक्स ए जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा अगर उसकी एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो सेम है। तो अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो इसका प्रूफ मैं यहाँ से सिंपली देख सकता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम देख चुके हैं कि सपोज कि लैम्डा वन लैम्डा के, एक जनरल केस बता रहा हूँ, लैम्डा के अगर उसकी आइगन वैल्यू है और इसकी अगर हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो सपोज के वन है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के वन है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के टू है। तो हमने प्रीवियस रिसर्च पढ़ा था कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू के टू, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से इसको हम लिख सकते हैं के टू इज लेस देन इक्वल टू के वन। अब अगर हमारे पास के टू जो है वो लेस देन इक्वल टू के वन है, सपोज के टू जो है सॉरी लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन होने की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो वेक्टर बनेंगे सर, क्योंकि अगर इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सपोज टू है तो हमने हमें ये भी पढ़ा पता है कि हमारे पास सभी अगर सभी आइगन वैल्यूज की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम कर दिया जाए, यानी कि सपोज एक की के वन है एक की के टू है, इन सभी का अगर सम कर दिया जाए तो ये जो आता है हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो वो एन के इक्वल आता है। तो एन के इक्वल आता है। अगर अगर ये हमारे पास कहीं भी कम हो जाता है, यहाँ पर सब के टू कम है यानी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कम है, यानी कि ये के वन के टू का रिलेशन यहाँ पे नहीं है, इसको के डैश ले लेते हैं। सपोज ये के डैश है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और के डैश जो है वो लेस देन के वन, तो उस कंडीशन में इनका सम यानी कि के वन प्लस के टू डैश प्लस के थ्री, एक भी के अगर कम आ गई तो वो हो गया लेस देन एन। और जैसे ये लेस देन एन हुआ तो ये हमारे पास हो जाता है कि ये जो वेक्टर्स है यानी इसकी जो वेक्टर्स बनेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे बट ये जो आर एन है यानी मैट्रिक्स जिस फॉर्म में से डिफाइन होगा उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसको स्पेन नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो एन जो है सॉरी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो इससे लेस देन नहीं हो सकती, उसके इक्वल ही होना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट की तरह प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे इसमें जो प्रूफ क्या है वो भी आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ जो प्रूफ किया है वो अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की हेल्प से, जो जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। डिटरमाइंड इफ ए डायगोनलाइजेबल इफ यस, पहले देखना है ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल है या नहीं। इफ यस फाइंड द मैट्रिक्स पी द डायगोनलाइजेबल ए। तो द करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, द करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सिंपली ए माइनस लैम्डा आई
इक्वल टू जीरो करके निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास इसकी अलग अलग हमारे पास आइगन वैल्यू आ चुकी है। तो लैम्डा 1 बराबर 2, लैम्डा 2 बराबर 3 एंड लैम्डा 3 बराबर -1। अब चूंकि ये सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू है, तो इस सभी डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो ये हमारे पास जो होगा वो डायग्नोलिजिबल होगा, डायरेक्टली होगा यहाँ से, क्योंकि सारी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन होती तो हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की तरफ देखते, बट कॉमन है ही नहीं, तो हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ही काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे V1, अब यहाँ से हमारे पास λ1 बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग जब हम वेक्टर निकालेंगे, आइगन वेक्टर, तो वो किस तरह से निकालना है, a-2ix इक्वल टू जीरो, जो कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -1 1 0। इस तरह से V2 निकाल सकते हैं, 3 के करस्पॉन्डिंग V3 निकाल सकते हैं। जब ये आ जाएगा हमारे पास, तो देयरफॉर द मैट्रिक्स दैट ए डायग्नोलिजिबल, वो जो है मैट्रिक्स, चूंकि P आ गया हमारे पास, P = -1, और ये मैट्रिक्स आ गया सारी, वी कैन वेरीफाई। अब नाउ यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि P λ1 λ2 जो कि आइगन वैल्यूज थी, और P−1 = A। तो यहाँ से हमारे पास जो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि मैट्रिक्स P, जो P मैट्रिक्स बेसिकली ये हमारे पास जो वेक्टर्स है वही हमारे पास मैट्रिक्स होता है। तो ये यहाँ से इस तरह से हम P मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, डिटरमाइन इफ ए डायग्नोलिजिबल, इफ यस फाइंड द मैट्रिक्स P। तो ये हमारे पास अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे उसमें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रिपीट नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रही है, λ1 है और 2 है और फिर से 2 है, तो यहाँ पे रिपीट है, तो यहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से हम काम नहीं चला सकते, तो हमें देखनी होगी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जब λ1 के करस्पॉन्डिंग तो 1 है, λ2 के करस्पॉन्डिंग भी जब हम इस तरह से डायमेंशन ऑफ इस नल स्पेस इसकी निकालेंगे, तो डायमेंशन 2 आ जाएगी। और ये डायमेंशन कैसे आती है, ये प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ ही चुके हैं, बेसिकली वही a−λ2i इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, और वहां से हम यहाँ पे a−λi, सॉरी ये पुट करके नहीं देखना, x इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम देखेंगे कि x से हमारे पास दो फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे, जिससे इस तरह से दो मैट्रिक्स निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब चूंकि b1 b2 b3, ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों ही 2 है, तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायग्नोजेबल मैट्रिक्स है, और उसके लिए p किस तरह से निकाल सकते हैं, p सिंपली v1 v2 v3, तो v1 v2 v3। जरूर नहीं है फ्रेंड्स हम v1 को यहीं पुट करें, पीछे ही पुट कर सकते हैं, ये कोई वो चेंज चेंज वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ से p आ गया, तो अब ये और वेरीफाई भी कर सकते हो आप कि p और ये λi एंड P−1 = A। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, डिटरमाइन ए डायग्नोजेबल, अगर ये देखें तो हम यहाँ पे लैम्ब्डा की हमारे पास दो वैल्यू आती है, 1 एंड -2 -2। अब -2 पे जब हम चेक करेंगे इसके, -2 पे हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, ज्योमेट्रिक सॉरी हाँ बी सी, देयर द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ λ2 = -2 इज g2 = 1, विच इज लेस देन, जो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो g2 आएगी वो लेस वो 1 आएगी, तो 1 आएगी तो इसका मतलब ये जो है वो डायग्नोलिजिबल नहीं होगा। तो फिर इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सपोज दैट ए इज आइगन वेक्टर v विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा, सो दैट ए इज इन्वर्टेबल, देन v इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 1/λ। और ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं आप, सपोज दैट ए एंड बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट AB = BA, देन सो दैट इफ बी इज आइगन v इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, देन v इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ b विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू v λ। तो ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा डायग्नोलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।